ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार से 1000 बसों को चलाने की अनुमति मांगी और प्रवासी श्रमिकों को अपने ही खर्चे पर उनके गंतव्य पर पहुंचाने की मंशा व्यक्त करते हुए सरकार को पत्र लिखा था। इसी संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और विधायक जिलाधिकारी से मिले और कांग्रेस की ओर से बस संचालन के प्रस्ताव को रखा। कांग्रेसियों का कहना था कि मजदूर मजबूर है, पैदल चल रहे हैं या फिर हजारों किलोमीटर किसी व्हीकल का सहारा लेकर चल रहे हैं। रोजाना कहीं ना कहीं से दिल जलाने वाली घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अभी तक कई मजदूर सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस ने बस संचालन करने का प्रस्ताव रखा है। मैं शशि वालिया, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव समिति सदस्य और बरेली मंडल प्रभारी कांग्रेस। ये हमारे नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने देश के अंदर चल रहे कोरोना महामारी से जो परेशानियां बढ़ी और मजदूर सड़कों पर निकले, उनकी कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। हजारों मजदूर रोज सड़कों पर मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, ट्रेन के नीचे मर रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, बसों के नीचे आकर के मर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रियंका गांधी जी ने सरकार से ऑफर की है कि 1000 बसों की हमें अनुमति दी। हम सब कांग्रेसजन यहाँ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे और वो उन्होंने हमने ज्ञापन दिया है और कहा है कि जिस तरह से अनदेखी इन मजदूरों की जा रही है, निस्संदेह ये हम सब के लिए बहुत ही पीड़ादायक बात है कि मजदूर सड़क पर मरे या मजदूर रेल पर मरे, ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है। हम सबको तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए, दलगत राजनीति को छोड़ते हुए, देश की वर्तमान परिस्थितियों से एकजुट होकर के लड़ना होगा और उसमें किसी तरह के भेदभाव की गुंजाइश ना करते हुए हम मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर के सेवा करना चाहती है तो निसंदेह उनको इसके लिए परमिशन करनी चाहिए। और न केवल परमिशन करनी चाहिए बल्कि जो रोज़ नई नई बात सुनने को मिलती है, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने, ये अच्छा नहीं लगा कि अगर राहुल गांधी बात करते हैं तो वो भी उनको नागवार गुजर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है।